फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए स्माइल 3.0 क्लास 11th लेखा शास्त्र की वर्कशीट का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, ये आपका होमवर्क 7 फरवरी 2022 का है, तो आपको आज की वीडियो में हम लेखा शास्त्र का फुल सोल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अध्याय इसमें दिया हुआ है वित्तीय विवरण और द्वितीय। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, समायोजन प्रविष्टियों से आप क्या समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है, समायोजन का अर्थ व्यक्ति अपने विकास में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जो उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक होती है। उदाहरण दिया हुआ इसमें, एक छात्र शिक्षा समाप्ति करने पर हवाई सेना में जाना चाहता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य और माता पिता का हट उसे लक्ष्य प्राप्त नहीं करने देता, अतः उसमें असंतोष, मानसिक तनाव, व्यवहार में अस्थिरता आदि असामान्यताएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब वह हवाई सेना में न जाकर वायुयान ऑफिस में अच्छा ऑफिसर बनने का लक्ष्य निर्धारित करता है। यदि वह इस लक्ष्य में सफल हो जाता है तो परिस्थिति के प्रति उसका समायोजन माना जाएगा, पर यदि उसे इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसमें कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है, अतः जब व्यक्ति अपने व्यवहार की गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, आदत व्यय को समझाइए, इसका उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर दिया हुआ है, आदत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित तो है, परंतु उनका भुगतान वित्तीय वर्ष में नहीं किया जाता। यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे खर्च जिनका भुगतान नहीं किया गया है। अब इसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, पूर्व दत्त व्यय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर देख लेते हैं। दिया हुआ उत्तर तीसरे क्वेश्चन का, ऐसे व्यय जो चालू वर्ष में अग्रिम चुका दिए जाते हैं और लेखांकन वर्ष समाप्त होने की तिथि तक उनका उपयोग नहीं हो पाता, तो ऐसे व्यय या व्ययों को पूर्वदत्त व्यय या असमाप्त व्यय कहा जाता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, तलपट में शामिल अदत्त व्यय को अंतिम खातों में कहाँ दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, इसका उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का उत्तर दिया हुआ है, ऐसे व्यय आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाए जाते हैं। तलपट में दिए गए अंतिम रहतीय को केवल आर्थिक चिट्ठे के समाप्ति संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है, जबकि तलपट से बाहर समायोजना के रूप में दिए गए अंतिम रहतीय को व्यवहार खाते के धनी क्रेडिट पक्ष में तथा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष दोनों में दर्शाया जाता है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहां से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, तलपट के बाहर अंतिम स्टॉक को अंतिम खातों में कहाँ कहाँ दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।